कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पिछले 4.25 साल में पूर्व सरकार के फीते ही काटे हैं। वर्ष 2013 से 2017 के बीच सोलन निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाए। विकास कार्य से ध्यान हटाने की मंशा से अब भाजपा नेता विधानसभा में कांग्रेस विधायकों पर अभद्र व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। सोलन ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमन सेठी और जिला कांग्रेस महासचिव रोहित शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ पिछली सरकार के शुरू किए गए विकास कार्यों का ही उद्घाटन किए। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही। जनता ने इसका जवाब कुछ समय पहले लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दे दिया है। अमन सेठी ने कहा कि जैसा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों में जो विधानसभा में आपसी जो बयानबाजी चल रही है हमारे विपक्ष और सत्ता पक्ष के, उसमें हम जो सत्ता पक्ष के जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जो उनके वजीर हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो एक बयानबाजी और एक शब्दावली का जो प्रयोग हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी बहुत ही घोर निंदा करती है। क्योंकि जब जब हमने देखा है कि विधानसभा एक ऐसा पैटर्न है, विधानसभा लोकसभा, जब जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई है जनता के हित में, जनता के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तब तक सत्ता पक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा में ले लो प्रधानमंत्री जी के या इनके मंत्री, या आप विधानसभा में ले लो, और विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करी है। और इसी तरीके से ऊँचा बोलकर, आपसी छीटाकशी कर, पर्सनल होकर, पर्सनल बयानबाजी कर विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं होगी। आप जनता के मुद्दों पर बात करें, आप जनता, आपको आज 7 साल सरकार में, केंद्र की सरकार में, और 4.5 साल लगभग आपको विधानसभा हिमाचल में हो गए हैं, आपने जनता को क्या दिया, जनता के लिए क्या किया? आपने बजट दिया, बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने सोलन में जो बड़े बड़े वादे किए थे प्रोसेसिंग प्लांट के, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, वो सब फाइलों में बंद रह गया। आपने टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, आपने व्यापारी वर्ग भाइयों के लिए कुछ नहीं दिया, हमारी महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे आज हिमाचल की जनता समझती है, और हिमाचल की जनता ने अभी इनको जो झटका दिया 4-0 का, उसकी बौखलाहट है जो आज हमारे विधानसभा में देखने को मंत्रियों के चेहरे पर मिल रही है, जो वो आज पर्सनल अटैक हमारे विधायकों के ऊपर कर रहे हैं। तो इसकी यही है कि हम घोर निंदा करते हैं, और हम, हमारे जो विधायक है शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी, कि आप अपनी खलड़ी में रहें, और ऐसी जो शब्दावली का प्रयोग है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव पे, अभी तो कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें तो जो हमारी शिमला की जो प्रबुद्ध और समझदार जनता है वो तो जवाब देगी देगी, और साथ में जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, ये ऐसा हमारा दावा और मानना है। सर ये तो बात होगी ना विधानसभा की, सोलन में पानी के मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे सोलन में जो पानी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की कॉरपोरेशन है, हमारे मेयर और हमारे विधायक महोदय जी ने अभी 2 दिन पूर्व ही इसके लिए प्रेस वार्ता भी की थी, हम इस मुद्दे से ना पीछे हटे हैं ना कभी हटेंगे। जो हमने जनता से वादा किया है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा यही एक आपने देखा होगा कि ये रहता है कि वादा, जो वादा किया वो निभाएंगे, और हम इसको बहुत जल्द इसको सुलझा कर, इसको जो पानी का जो वादा किया है 100 रुपये प्रति माह जो हमने अपनी जनता को देने का वादा किया वो हम देंगे। और इसमें कुछ, जैसे देखो, हर एक बजट को भी पास करने के लिए, अब मुख्यमंत्री जी का ही हम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो हर चीज़ें सोच समझ के होती है। तो इसलिए हमने भी प्रस्ताव सरकार को भेजा था, उन्होंने उस पर हमारे को आधा अधूरा जवाब दिया है कि हमने उसको अभी सस्पेंड किया। हमने कल ही दोबारा से सारा प्रस्ताव बना के, सारी प्रोसीडिंग्स जो है हमारे मेयर मैडम ने जो है उस कॉपीज़ को लगाया है, सारी जो जो हाउस में सारी प्रोसीडिंग हुई है पूरे उसके तथ्य सामने रखकर दोबारा से सरकार को भेजा। अब अगला जवाब आने दो, फिर उसके बाद हम कोई ना कोई इस पर जो भी है वो फैसला लेंगे। तब तक हमारी मेयर मैडम ने कल कमिश्नर साहब को भी जो एक ज्ञापन दिया है कि तब तक ना जनता के ऊपर ये पानी का बिल भी ना आए, और अभी उसको फिलहाल रोका जाए कि ताकि एक बार सरकार का एक और जवाब आ जाए, कि क्योंकि सरकार के पास पूरे कागज़ नहीं दिए थे, जो पिछले कमिश्नर साहब से जैसा हमारे संज्ञान में आया है कि उनको पूरे कागज़ ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अब जरा पूरे कागज़ के साथ गया है, देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि क्या जवाब आता है दोबारा से, फिर उसके बाद
दोबारा हम आपके सामने आएंगे, मेयर मैडम हमारे सारे ये जवाब देंगे इसमें, और हम नहीं मुकर रहे इस मुद्दे से, और आने वाले इस 8 महीने में ये तय है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी हिमाचल प्रदेश में, और तब हम इसको, अगर अभी नहीं होगा तो और 6 महीने की बात है, 8 महीने की, हम इसको पूरे जोर से इसको लागू करेंगे, इसको हम करवाएंगे इसको। सोलन हम अपने इस मुद्दे से नहीं मुकर रहे हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी कमियां हैं वो एक बार आने दो, फिर देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है सुंदर। सोलन से आपका फैसला के लिए जिला ब्यूरो प्रमुख ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।